हेलो जी सर, भगवान सुखी रखे। कौन? हेलो, हाँ हाँ, कौन? मैं सेवक से भगवान दास जी। क्या बात है, देखो परमेश्वर, ईश्वर, दीपक और भगवान दास, आज पूरे के पूरे नाम बड़े सुंदर है। डॉक्टर, मैंने आपका गुरु जी वही कमेंट सुना जब की आज है, तो मैंने कहा आप भगवान दास के साथ जरूर बात होगी गुरु जी की। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। भगवान दास जी बताएं, इसके बारे में जानना है। गुरु जी, अब मेरी जन्म तिथि है, सब कुछ है, लेकिन समय नहीं है। कोई बात नहीं, बताइए तारीख बताइए। मेरी है 15 मई, हाँ, 1970। समय में कुछ मोटा मोटी बताए तो हम उसको सिद्ध कर देंगे। नहीं, मैंने कई बार माता पिता से जानने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हुई। अब तो माता पिता नहीं रहे। जन्म है खुदाई का। हाँ, वो जन्म तो कहीं का भी हो, उससे क्या मतलब है, लेकिन अब सवाल यह है कि जन्म समय सही नहीं है। हाँ, समय का नहीं है, बिल्कुल सही। कुछ ये भी पता नहीं है कि दिन का है, रात का है, क्या है? नहीं नहीं, मैंने बड़े मम्मी पापा से भी पूछा था तो वो भी नहीं बता पाए थे। कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए जी, हम एक प्रयास कर रहे हैं तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आप जब छोटे थे, लगभग 12-14 साल की उम्र तक का आपका समय था, तब आपके दादा या दादी, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हुई थी क्या? जी, सही बात है जी, बिल्कुल। मैं उस समय आखिरी पढ़ता था दिसंबर में। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपके जो सामने के दांत हैं, ऊपर के दांतों में या तो गैप होगा थोड़ा सा, या साइड के सामने के जो दो ऊपर के दो बड़े दांत हैं, इनके आजू बाजू के एक एक दांत, दांत के ऊपर दांत चढ़े हों या दांतों में गैप हो, ऐसा कुछ है क्या? गैप है गुरु जी, गैप है गुरु जी। ठीक है, दो बातें सही। तीसरी बात, जहां पर आप रहते हैं, घर के दरवाजे के आसपास तिराहा चौराहा है, सही बात है? जी, तिराहा है। दरवाजे के आसपास ही पानी की व्यवस्था है, सही बात है? जी। थोड़ा मिले, एक बार मिले, पर अच्छा भोजन मिले तो ही भोजन करेंगे, नहीं तो भूखे रहना मंजूर है, सही बात है? जी गुरु जी, बिल्कुल गुरु जी। सही बात है जी गुरु जी। जब जब आपने अपने जीवन में अपना प्रचार प्रसार किया, अपने कार्ड छपवाए, डायरियां छपवाई, कैलेंडर छपवाए, ऐसा कुछ भी, या फेसबुक में, यूट्यूब में फोटो वीडियो डाले, तो आप मुश्किल में पड़े, सही बात है? जी 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 जी, सही बात है जी गुरु जी। ठीक है, आपकी कुंडली में सवेरे 10:30 का समय निकला, जो हम देख पाते हैं उसके हिसाब से 10:30 सुबह का आपका जन्म का समय निकलता है। इसके हिसाब से आपको जीवन भर आर्थिक परेशानी, पैसे की तंगी, पैसे की परेशानी रहनी चाहिए, सही बात है? जी बिल्कुल सही, सही बात है जी गुरु जी। एक बात और आपसे पूछेंगे जो बड़े महत्व की है, क्या ऐसा हुआ कि बचपन में जब आपका जन्म हुआ, कभी माता पिता ने बताया हो? बड़े रहस्य की बात है ये जो जी। जब आपका जन्म हुआ आपके, तो आपकी माता जी को जी, आपकी माता जी का स्वास्थ्य नरम गरम हो और माता जी को दूध कम निकले, यानी आपको या तो गाय का दूध पीना पड़ा या बकरी का दूध पीना पड़ा, भले एक महीने के लिए, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य खराब होने के कारण, ऐसा कुछ अवसर आया था क्या, याद करें? हो सकता है गुरु जी, इतना तो याद नहीं है, अब कोई बताने वाला भी नहीं है। अब नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये बताइए, आपकी दिनचर्या हमेशा अस्त व्यस्त रहती, टाइम बे टाइम खाना, टाइम बे टाइम सोना, सही बात है? तो कुंडली आपकी सही है। अब आप ये बताएं कि आपके घर के दरवाजे के सामने, जैसे आपका दरवाजा है जी, आपके मकान के दरवाजे पर, चाहे आपके दरवाजे पर हो, चाहे आपके दरवाजे से दिखता हो पड़ोसी के दरवाजे पर, लेकिन एक डॉगी, एक कुत्ता दिखाई देता है, क्या किसी के यहाँ कुत्ता दिखाई देता, सही बात है कि गलत? जी गुरु जी, तो सही बात है जी गुरु जी। आपकी कुंडली बिल्कुल सही है। 10:30 सवेरे एक अच्छे ज्योतिषी से जुड़ने का यही फायदा है कि जो आपके पास डिटेल नहीं है वह डिटेल भी निकलकर सामने आ जाती है। तो हम तो संतुष्ट हैं आपकी कुंडली से। आप संतुष्ट हैं, कुंडली सही है? जी बिल्कुल सही। ठीक है, बताइए क्या जानना चाहते हैं?
बस गुरु जी कितना समय हो गया, परेशानियां मतलब कहना चाहिए एक खत्म नहीं होती, दूसरी चालू हो जाती है। देखिए आपकी कुंडली के अनुसार जो हम देख पा रहे हैं ये परेशानियां आपकी 92 के आसपास से, 1992 के आसपास से धीरे 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 चलती ही आ रही हैं। जी गुरु जी। गलत है कि सही? बिल्कुल सही है गुरु जी। बिल्कुल सही है जी गुरु जी। तो ये समस्याएं आपके साथ लगी रहेंगी, आपको कभी भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं पैसा फंसाएंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। दूसरी बात, एक बात और हम पूछना चाहेंगे जी, आप दिन में सोते हैं क्या? हाँ जी कभी कभी। दिन का सोना आप बंद कर दीजिए जी गुरु जी। जब आपको एक और रहस्य की बात खोलना, जब आपको बहुत सुस्ती लगे, बहुत नींद लगने लगे जी, तो आप समझ जाइए कि आपका आर्थिक नुकसान और व्यापार में मंदी, व्यापार में नुकसान होने वाला है। तो ख्याल करिए कभी किन्हीं महीनों में आप अच्छी गहरी नींद, लंबी नींद लेते हैं उसके बाद आपको नुकसान होता, ऐसा कुछ याद आया क्या? जी जी बिल्कुल सही बात है जी, जी, जी। तो यही कुंडली है, यही ज्योतिष है, यही ज्योतिष का रहस्य है जो हम खोलते हैं कि नींद भी आपके लिए घातक है, आप दिन में सोना बंद करें। जी जी तो आप दिन में जब सोएंगे तो आप आर्थिक नुकसान उठाएंगे, तो आपको दिन में सोना नहीं है, एक नीलम पहनना है अच्छी क्वालिटी का और एक चंद्रमणि पहनना है, तो आपका जीवन जीवन बदल जाएगा, आप धन संपन्नता से परिपूर्ण हो जाएंगे और भगवती दुर्गा जी की आराधना आप शुरू कर दें जी। क्योंकि व्यापार में जो भी आप काम करेंगे, आप चार कदम आगे चलेंगे तो छह कदम पीछे हो जाएं, फिर चार कदम तो यही आपकी कुंडली बताती है, तो इससे आप सावधान रहें, एक चंद्रमणि और एक नीलम जरूर धारण करें, ठीक है जी गुरु जी। वो आपके पास से लेना पड़ेगा अब जहाँ से आप चाहें। एक चीज और पूछनी थी, बताए संतान के बारे में कुछ बताएंगे क्या? संतान के बारे में क्या जानना चाहते हैं? पांच चीज में रहता बालक था, उसके बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ, आपने बोला है कि जबलपुर आके मिलिए। देखिए सच बात यह है कि आपके छोटे भाई बहन कोई है क्या? जी है ना। तो आपके छोटे भाई बहन के जीवन साथी को कभी डॉक्टर ने कैंसर जैसी कोई शिकायत बताई है क्या? नहीं। एक बात इससे सावधान है, छोटे भाई बहनों को लीवर की समस्या, रीढ़ की समस्या परेशान करेगी और ब्रेन से संबंधित, आपके छोटे भाई बहनों को किसी को ब्रेन से, मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग, लीवर आंतों से संबंधित कोई रोग या रीढ़ पीठ से संबंधित कोई रोग, कोई तकलीफ है क्या? अभी किसी को नहीं मिली। इस पर रक्षा करें, आप जितने जल्दी नीलम पहन लें तो ये लोग सुखी हो जाएं जी। और जब आप नीलम पहन लेंगे तो आपका पुत्र सुखी हो जाए, नहीं तो आपका पुत्र बीमार रहे, पहली संतान बीमार रहती है जी। तो ये उसी का कारण है, आप नीलम पहनिए, आपका पहला जो बेटा बेटी जो भी है वो सब सुखी रहे, है ना जी। तो चलिए ठीक है, पर कभी आप आइए तो मुलाकात होगी, कोई ना कोई समाधान। रविवार को आपने बताया वो यंत्र के लिए, तो आ जाओ रविवार को। कोई भी आ सकता है, कोई भी ले सकता है, उसमें एक बालक के लिए भी चाहिए और मेरे लिए भी चाहिए, पर बालक का डायलिसिस होता है तो उसको लाना थोड़ा आसान नहीं है और आपका आदेश है कि केवल एक व्यक्ति को एक मिलेगा। तो आप अपने लिए दूसरे रविवार को ले जाइए, इस रविवार को बेटे के लिए ले जाइए। जी गुरु जी, जी गुरु जी। तो आप, जी गुरु जी, आपका बेटा ठीक, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, ठीक है जी गुरु जी। गुरु जी जबलपुर में कहाँ पर पहुँचना है? जबलपुर में रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर एक के सामने एक डिलाइट सिनेमा घर था, टॉकीज थी, डिलाइट जी, 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 जी था। उसी डिलाइट टॉकीज में पहली मंजिल पर ज्योतिष कार्यालय, हमारा बोर्ड लगा, किसी से पूछ लीजिए, भारी भीड़ भड़क कर रहती, लोग आते जाते, कोई बता देगा पंडित जी यहाँ बैठते हैं जी। गुरु जी किसी भी समय पहुंचना है, सुबह 9-10 बजे से पहुंच जाओ? नहीं, सवेरे तो हम संसार में कोई से नहीं मिलते, सवेरे हम मिलते हैं अपने भगवान भोलेनाथ से, पार्थिव पूजन और घर में पूजन पाठ चलती रहती।
जी आवेश से किस समय पहुंच गया? लगभग 3 बजे के आसपास आप आ जाइए, थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, हम आएंगे बैठेंगे सबको देंगे, उसका 1 रुपए भी किसी से नहीं चाहिए, ठीक है ना? जी गुरु जी, जी गुरु जी, ठीक ठीक, अवश्य आऊंगा, आपके दर्शन करूंगा, चरण स्पर्श करूंगा। स्वागत है, स्वागत है, कोई बात नहीं।